मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो MBIT है और मैं आजकल जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हलाल कल्चरल एंड सोशल साइंसेज के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो मैनेजिंग अक्रॉस द कल्चर्स भी है। अब हुआ ये कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि तालीम दिया, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारे मामलात में से जो किताबों के अंदर जो चीज़ें थी वो हमने बहुत ज़्यादा देखी, इंतज़ामी मामलात के हवाले से भी, दीगर चीज़ों के हवाले से भी। लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ जो एक कमी महसूस होती थी, वो कमी ये थी कि इन चीज़ों का कभी भी कोई ऐसा अमली मुजाहरा या कोई ऐसी अमली चीज़ जो कि मौजूदा हालात के मुताबिक उसको बेहतरीन अंदाज में जो है वो पेश कर सके या हमें बता सके कि किस जगह पे जो कोताही हो रही है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये कहीं पर भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अतालीक ट्रेनिंग्स हैं, इनके जो दो नौजवान, जो मैं तो उनको अतालीक ही कहूँगा, इनमें मौलाना हमाद साहब और मौलाना वकास सईद साहब, इन दोनों हजरात ने इतने बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ इस पूरे जो हमारा चार दिन का जो इवेंट था इसको बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ इन्होंने मुनज़म किया बल्कि इनकी जो दीगर एक्टिविटीज़ थी, जो इनके सेशन थे, उसमें इन्होंने अमली तौर पर उन कोताहियों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उजागर किया जो हमारे इंतज़ामी लिहाज से, हमारे इदारों के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर, इवन के हमारे अपने घरों के अंदर वो जो मसाइल हैं वो भी जो पैदा हो रहे थे। और होता मसला क्या है कि हमारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे मसाइल जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इन्होंने ना सिर्फ उन छोटे छोटे मसाइल को उजागर किया बल्कि उनके उनकी बुनियाद पर वो बड़े बड़े इशूज़ जो कि किसी इदारे की तबाही का बायस बन सकते हैं या बड़े इदारे के जो परेशानी का बायस बन सकते हैं, उनके हवाले से भी इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में ये तरबियत मुहैया की। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन हजरात का और मैं बिल्कुल ये बहुत दिल से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरत है आजकल हमारे दीनदार इदारों को भी, हमारे दीनी इदारों को भी, हमारे मुल्की इदारों को भी, कि इस किस्म की ट्रेनिंग और ऐसे लोगों से ट्रेनिंग वो ज़रूर ली जाएँ जो कि ना सिर्फ हमारे इन मामलात को, इन हमारे इश्यूज़ को, हमारी माशरती, हमारी सोशल लाइफ जो है उसको जो तबाही की तरफ जा रही है, ना सिर्फ उसको बचाने का सबब बन सकते हैं बल्कि मुझे बहुत यकीन है कि ये इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस उम्मत की तरक्की के लिए भी बहुत बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।